तेजस्वी ने थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा दिखाई, उसको लगा कि नहीं वो जेन्युइनली सब फ्रेंड्स बन गए हैं, जेन्युइनली सब सब कुछ अच्छा हो रहा है। यार मेरे हिसाब से तेजस्वी ने ना पूरे पूरे घर में सबसे अच्छी गेम खेली है। तेजस्वी से अच्छी गेम किसी और की हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छी गेम खेली है, मेरी तरफ से तो वो विनर है। जिस दिन तेजा जीतेगी मैं लाइव आऊंगा आप सबके लिए और कोशिश करूंगा जहां पे भी तेजा हो उसे ढूंढ के पकड़ के लाऊंगा और आप सबके लिए हम लाइव करेंगे। सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर टेलीविजन अपडेट्स। दोस्त तेजस्वी भी प्रकाश की ही बात करूंगी, हाल फिलहाल वो बिग बॉस के घर में एंड शी इज डूइंग वेल। आपको क्या लगता है, अभी बीच में हमने देखा है कि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें थोड़ा सा यू नो पावर दे रहे थे, तो आपको क्या कुछ लगता है कि कैसे गेम खेल रही है वो घर के अंदर, उन्हें और क्या कुछ करना चाहिए? यार मेरे हिसाब से तेजस्वी ने ना पूरे पूरे घर में सबसे अच्छी गेम खेली है और लॉकडाउन के टाइम पे ऐसे इतने मुश्किल हालातों में भी उसने सबको एंटरटेन किया है। तो मुझे लगता है कि इस तेजस्वी से अच्छी गेम किसी और की हो ही नहीं सकती। पूरे बिग बॉस हाउस में उसने एंटरटेन इतना एंटरटेन किया है, हर वक्त सही पॉइंट पे बात की है, पॉइंट टू पॉइंट बात की है, फालतू के मुद्दों को नहीं उठाया है। सो मुझे लगता है कि दिस अ बेस्ट गेम और वो बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग मैंने देखे सारे के सारे इनसिक्योर दिखे, आई विल नॉट टेक द नेम, बट मेन पीपल लाइक जो ऑलरेडी इतने फेमस है वो मुझे इतने इनसिक्योर दिखे, बट ये लड़की बिल्कुल इनसिक्योर नहीं दिखी। आई मस्ती करी, मस्ती मजाक जैसे अपने घर में हो, और वो जेन्युइनली हम जब सेट पे भी होते तो ऐसी मस्ती करती थी। तो मुझे नहीं लगा उसको उसको डर नहीं है बेसिकली। तो उसने बहुत अच्छी गेम खेली है, मेरी तरफ से तो वो विनर है। अच्छा करण जो कि उनके बॉयफ्रेंड है रश्मि एंड उमर, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी थी, बट अभी जैसे टिकट टू फिनाले आ रहा है कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यू नो उनके रिश्तों में दरार आ रहा है, कहीं ना कहीं घर में अभी तेजस्वी भी अकेले दिख रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अभी सब लोग बस यही है कि कैसे भी जीत जाए। अभी क्या होता है ना, रास्ते में जब गाड़ी में जाते हैं सफर करते हैं तो जब मंजिल दूर होती है ना तो सारे दोस्त बन जाते हैं, फिर जैसे अपने अपना स्टेशन आते हैं ना सब अपना अपना बैग लेकर बाय बाय टाटा करके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ है और मुझे ऐसा लगा कि तेजस्वी ने थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा दिखाई, उसको लगा कि नहीं वो जेन्युइनली सब फ्रेंड्स बन गए हैं, जेन्युइनली सब सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट ये सब उसके साथ गलत हो गया, उसकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज्यादा जाग गई सबसे। बट ये बाकी सब यही कर रहे हैं कि अपना अपना बैकपैक कर रहे हैं और अपने अपने स्टेशन पे उतर के निकल रहे हैं, दैट्स इट। कहीं ना कहीं टिकट टू फिनाले जो टिकट था वो उनके तीनों दोस्तों को मिल चुका है, बट तेजस्वी को अब तक नहीं मिला, हालांकि उसकी एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा थी एंड पहले मिल चुका है, उन तीनों को मिल चुका है। तो इसके लिए भी आपका क्या यू नो राय है कि उसने क्या करना चाहिए था कि पहले वही जाते फिनाले भी? मुझे ये लगता है कि उसको मिल जाएगा और उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बट ऐसा नहीं कि बाकी सब भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट मैं तेजस्वी के क्लोज हूँ इसलिए मैं उसकी तरफदारी ज्यादा करता हूँ, और क्योंकि मैं उसको जेन्युइनली जानता हूँ, मैं उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया उसके साथ। सो तेजस्वी ने जो करना था कर लिया, और बाकी क्रिएटिव कॉल्स भी है, बाकी सब वो सब लोग वहाँ बैठे हैं, और होता है ना एक नेता अच्छा है दूसरा नेता खराब है, पर खराब नेता भी जीत जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा नेता बेकार है। सो ऐसा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इट्स ओके। नमी जी आप एग्जांपल बहुत अच्छे अच्छे देते हो, कहाँ से लाते हो? पता नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ खुद को, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ। अच्छा अभी घर के अंदर जो टास्क हो रहे हैं सब सब कुछ देखते हुए अगर मैं आपको पूछूंगी कि आपको सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट अभी कौन लग रहा है तो आप किसका नाम देना चाहेंगे? स्ट्रॉन्ग जी मेरे लिए तेजस्वी है, बट मुझे शमिता भी। ओके और अगर अभी फिनाल टॉप फाइव आ रहा है तो टॉप फाइव में हम किन किन को देखना चाहते हैं, आपको क्या लगता है? मैं किन को देखना चाहता हूँ, फर्स्ट तो क्लियर है तेजस्वी, सेकंड शमिता क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस्ड है और काफी कुछ मेहनत करने के बाद भी वो आज भी मेहनत कर रही है, तो उनके लिए वो आनी चाहिए। थर्ड में करण कुंद्रा आना चाहिए, और फोर्थ में निशांत ने बहुत मेहनत की है, मैं उसे देख रहा हूँ पहले दिन से, और बाकी सब भी हार्ड वर्किंग है बट नॉट अ गुड प्लेयर्स। हार्ड वर्क इज नॉट ओनली द की,
यू हैव टू बी अ गुड प्लेयर टू, तो फिफ्थ में आप सबको डाल दो बस। फिनाले आ रहा है बहुत जल्दी, तेजस्वी के फैंस यू नो बहुत खुश है कि हाँ फाइनली नमीश उसका दोस्त बन के आया है उसके सपोर्ट में, तो क्या कुछ कहेंगे उन फैंस के लिए भी जो आपसे भी यू नो तेजस्वी को जीतता देखना चाहते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? वो जो फैंस है मैं भी उन्हीं की तरह तेजा का फैन हूँ इस शो में, मैं भी चाहता हूँ कि वो तेजा जीते और हम सब एक तेजा मूवमेंट बनाए और हम सब लोग मिलके पार्टी करें, और अगर जिस दिन तेजा जीतेगी मैं लाइव आऊंगा आप सबके लिए और कोशिश करूंगा जहां पे भी तेजा हो उसे ढूंढ के पकड़ के लाऊंगा और आप सबके लिए हम लाइव करेंगे। बट तेजा जीतनी चाहिए, प्लीज उसको सपोर्ट करो और इतने वोट्स करो ना कि उसको जिता दो।